हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं, इससे पहले हमारे चैनल का नाम एक नौलाकर क्लासेस था, जिसे अब परिवर्तन करके जीएस विजन एकेडमी कर दिया गया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं, वो सब्सक्राइब करके रखें। अब जो है आप जीएस विजन एकेडमी करके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग का टॉपिक है छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा और अधीक्षक परीक्षा 2022 जो अभी आयोजित होने वाला है, उसके लिए भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था और भूगोल से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका महत्वपूर्ण एमसीक्यू है और ये टेस्ट सीरीज 40 नंबर का है। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं एडीओ और जो एग्ज़ाम होने वाला है, कोई भी चाहे एसएससी ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चूँकि ये जीके जीएस है तो इसे आप जो है अध्ययन जरूर करें। सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तबकाते नासिरी के लेखक हैं। तो तबकाते नासिरी के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर है मिन्हास उस सिराज। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से कौन सा कर वसूला जाता था? तो सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से जजिया जो है वसूला जाता था। कौन सा कर? जजिया कर वसूला जाता था। ध्यान रखिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट और बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें देखिए, पहला है खिराज। क्या है? खिराज। ये जो खिराज है, ध्यान रखिएगा, खिराज जो कर है ये हिंदुओं पर लगने वाला भूमि कर था। किस पर लगाया जाता था खिराज को? हिंदुओं पर लगाया जाता था। और ये जो है उपज का पाँचवा भाग होता था। नेक्स्ट है आपका जकात। क्या? जकात। तो देखिए, खिराज ये तो समझ में आ गया, हिंदुओं पर लगाया जाता था। अब है आपका जकात। तो ये जो जकात है ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जो धार्मिक कार्यों में क्या किया जाता था? व्यय किया जाता था। अब देखिए, एक कर और है उस्र। ये जो उस्र है ये जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ये भी मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन ये एक्चुअल में क्या था? भूमि कर था। तो ये तीनों आपको याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं और पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है कई बार। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान में है। कहाँ है कालीबंगन? कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखेंगे। और गुजरात में क्या है? तो लोथल है। इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो लोथल जो है गुजरात में है। और लोथल क्या है? तो एक्चुअल में लोथल जो है ये क्या था? गोदीबाड़ा था। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। गोदीबाड़ा मतलब सीधी सी बात है, ये क्या है? बंदरगाह नगर था। और ये लोथल का खोज जो है ये कब हुआ? 1957 में हुआ। और इसकी खोज किसने किया? तो एस आर राव ने किया। ध्यान रखिएगा, एस आर राव, और 1957 में इसकी खोज हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका ये जो कालीबंगन है, ये जो क्या है आपका कालीबंगन, इसकी खोज कब हुई? तो 1953 में। कब? 1953 में खोज हुई। ये सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाए कि कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो ये घग्घर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? घग्घर नदी के तट पर स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और देखिए, इसमें और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? कुशीनारा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही आंसर है आपका हसन गंगू ने की। किसने की? हसन गंगू ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हसन गंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य में वित्त विभाग कहलाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में वित्त विभाग को किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर है आपका अठावना के नाम से जाना जाता था वित्त विभाग को विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वायसराय ने 1857 की क्रांति को तूफान में तरंगरोध की संज्ञा दी थी?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति को तरंग में तूफान की संज्ञा दी थी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सात के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। तो शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वेले जली जो थे, वेले जली के शासनकाल में शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। और किस सन, लगभग याद रखेंगे आप लोग सन, सॉरी किस सन में, तो 1785 से आपके 1804 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। और महात्मा शब्द किसने लगाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, महात्मा के, गांधी के सामने महात्मा लगाया, मतलब महात्मा शब्द का प्रयोग किसने किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और सुभाष चंद्र बोस जो है, इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिस्टों का असर कम करने और श्रम सुधार हेतु भारत में किस कमीशन को भेजा गया। तो भारत में किस कमीशन को भेजा गया, तो देखिए कम्युनिस्टों का जो असर था उसे कम करने के लिए और श्रम सुधार हेतु, ये फिटले कमीशन को भेजा गया था। किसको भेजा गया था, फिटले कमीशन को, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंपारण जो सत्याग्रह है यह जो है आपके 1917 में हुआ। कब हुआ, 1917 में। अब देखिए क्या क्या इससे याद रखना है आपको, ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये जो है गांधी जी का भारत में सफल और पहला सत्याग्रह था। भारत में ये क्या था, सफल और पहला सत्याग्रह था। यह जो चंपारण सत्याग्रह है, तीन कठिया पद्धति प्रचलित था कहाँ, बिहार में। तो राजकुमार शुक्ला के द्वारा किनको, महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ला, ध्यान रखेंगे ये भी नाम, किनके द्वारा बुलाया गया था, राजकुमार शुक्ला। और ये जो सत्याग्रह है ये गांधी जी का भारत में प्रथम और क्या है, प्रथम और सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना जो गर्त है ये पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है कहाँ स्थित है, आपके प्रशांत महासागर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी कहाँ स्थित है ये, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, समताप मंडल। अब देखिए ये इस तरह से, जैसे ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये क्या है, क्षोभ मंडल है, ये क्या है, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ये है आपका समताप मंडल। तो इस तरह से क्या है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, समताप मंडल में स्थित है। और ध्यान रखिए कि समताप मंडल कितने किलोमीटर के बीच फैला हुआ है, तो 13 से 50 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है ये जो समताप मंडल है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र क्या है। यहाँ पर दिया इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए बैरन आइलैंड जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इससे। नेक्स्ट है आपका, ग्रेफाइट किस चट्टान के अंतर्गत आता है। तो ग्रेफाइट जो है ये आपके रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, रूपांतरित चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो भारत के जो पूर्वी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट, इन दोनों के बीच जो है नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। कौन सी पहाड़ी स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है डोडाबेट्टा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, डोडाबेट्टा देखिए ऊंची चोटी, डोडाबेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, सतलज और काली नदी, सतलज हो गया है, ये सतलज है या सतलुज भी लिखा होता है कहीं, देखेंगे आप लोग। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और देखिए हिमालय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की ऊंचाई से संबंधित वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन नवीन वलित पर्वत है, ध्यान रखेंगे। और हिमालय के जगहों में पहले क्या था, यह भी क्वेश्चन आपके व्यापम और पीसीएस द्वारा एसएससी में भी पूछा जा चुका है। तो ये टेथित सागर में
ये पहले क्या था, टेसित सागर था, क्या, हिमालय। अब वो जो है धीरे धीरे अवसादों और नदियों के द्वारा अवसादों को जमा करते करते आंतरिक शक्तियों और जमाव के कारण धीरे धीरे क्या होने लगा, वो ऊपर उठने लगा। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था संचालित है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था संचालित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों आप अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, लाइक करना नहीं भूलिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें। चलिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, इसे आप पढ़ लेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था ये भी पूछा जाता है, तो गरीबी था। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी इस तरह से वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या संभव है। तो देखिए मुद्रा संकुचन की स्थिति में मांग में कमी होती है, कर्जदाता को फायदा होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर इतिहास भूगोल और अर्थव्यवस्था की तैयारी करें, उसके लिए मैं जो है इस क्वेश्चन को बना दिया हूँ। इसके बाद कोशिश है कि मैथ्स और करेंट अफेयर पर भी आपका वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।